नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हेल्प ब्लॉगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं शालिनी साइंस फैकल्टी से आपका स्वागत करती हूं। आज हम फिर आपके लिए डेली क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें आपके सारे मेडिकल एग्जाम्स जो हैं वो कवर अप हो जाते हैं, जैसे कि नीट, एम्स, चिपमर या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम है आपके मेडिकल एंट्रेंस से रिलेटेड। तो आप इस PDF की तैयारी कर अपने सारे क्वेश्चंस को अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के ज़रिए। और आप जो भी इन PDF के अंदर क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इससे होगा ये कि आपकी जो आधी से ज़्यादा तैयारी यानी 50% जो तैयारी है वो आपकी पूरी हो जाएगी इन क्वेश्चंस के ज़रिए। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दें कि अगर आप कोई भी फ्री ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं या फिर कोई PDF या फिर कुछ भी मटेरियल आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.examhelpblogger.com से। और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक जो इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, वहाँ से पढ़ नहीं सकते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि पैसों की वजह से और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई भी अदर प्रॉब्लम होती है, तो उनकी भी मदद हो जाती है इन वीडियोस के ज़रिए। तो हमारा मकसद है कि हम उन बच्चों की भी मदद कर पाएँ। हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर, तो आप उनको भी ज्वाइन करें। वहाँ पे भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाती है और कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमने आपको जो ये नंबर दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में सारे हमने मेडिकल एंट्रेंस के व्हाट्सएप पर हमने मेडिकल एंट्रेंस के ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करें। कोई भी आपकी क्वायरी है, इन्फॉर्मेशन आप कोई चाहते हैं या फिर कोई भी PDF चाहते हैं, कुछ भी मटेरियल आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, तो जिससे कि हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक पैथोजन है जो कि माइक्रोस्पोरम है, ये पैथोजन है, तो ये पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है रिंगवर्म डिजीज के लिए, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो बिलोंग्स करता है सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ, इनमें से एक कोई सेम ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम किंगडम शेयर करता है जो कि इसका होता है। तो पहले आपको माइक्रोस्पोरम के बारे में बता दें, उससे पहले आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख लें क्या क्या दिए गए हैं आपको। पहला है टेनिया ए टेपवर्म, वल्केरिया अ फिलेरियल वर्म, राइजोपस ए मोल्ड और एस्कैरिस ए राउंड वर्म। तो सबसे पहले आपको इस पैथोजन के बारे में बता दें कि ये जो पैथोजन है, बहुत सारी फंगीज होती हैं, मैनी फंगीज के अंदर ये जनरा के अंदर आता है माइक्रोस्पोरम, ठीक है। इसके साथ साथ दो और आते हैं, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। तो ये तीन जो जनरा हैं ये बहुत सारी फंगी के लिए आते हैं, यूज होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवॉर्म के लिए और मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है ये मैंस के अंदर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और माइक्रोस्पोरम जो है इसकी आपको क्लास बताऊँ चाहिए इस मेंबर की, तो मैं इसकी आपको क्लास बता रही हूँ। इसकी क्लास है ड्यूटेरियोमाइट्स। तो ड्यूटेरियोमाइट्स है। अब इसके बारे में आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ड्यूटेरियोमाइट्स को बोला जाता है फंगी इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरम जनरा तीन जनरा हैं, बहुत सारी फंगीज के अंदर जो तीन जनरा आते हैं वो तीन जनरा मेन आपको बतानी चाहिए। और माइक्रोस्पोरम मेंबर जो है इसकी क्लास आपको बतानी चाहिए डिटीरियोमाइसाइट, जिसे फंगी इम्परफेक्टी भी बोला जाता है। कभी कभार आपको डिटीरियोमाइसाइट्स की जगह पर फंगी इम्परफेक्टी दिखेगा तो आप समझ जाएंगे इसके जरिए। तो आपको इसका किंगडम बनाओ, किंगडम जो है इसका वो आपका किंगडम जो हो गया फंगी। ये आपको बताया गया है माइक्रोस्पोरम के बारे में। अब आपको ऑप्शंस के अंदर सही आंसर जो है आपका, जो कि सेम किंगडम शेयर करता है, वो है राइजोपस। अब आपको राइजोपस के बारे में बता दें कि राइजोपस को बोला जाता है ब्रेड मोल्ड।
ब्रेड मोल्ड, तो ये आप ध्यान रखें कि ब्रेड मोल्ड किसे बोला जाता है, राइजोफस को। अब इसकी आपको क्लास भी पता होनी चाहिए, इसकी क्लास जो होती है वो होती है जाइगोमाइसाइट्स, जाइगोमाइसाइट्स। अब जाइगोमाइसाइट्स को एक और चीज़ कहा जाता है कंजुगेशन फंगी, कंजुगेशन फंगी। तो कंजुगेशन फंगी, जाइगोमाइसाइट्स, ये आपस में रिलेट करते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है। और किंगडम जो आपका है, सेम किंगडम, क्योंकि ये फंगी है तो सेम किंगडम शेयर करते हैं, तो इसलिए सही आंसर है राइजोफस। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, स्लाइसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंस टू। तो आपको बताया, पूछ रहा है कि स्लाइसिंग होती है ऑफ mRNA की, यूज की जाती है प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ट्रांसजेनिक प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्यों रेजिस्टेंस दी जाती है, क्योंकि पैरासाइट से बचाना है उसे, तो पैरासाइट से बचाने के लिए स्लाइसिंग ऑफ mRNA। तो इसमें मेन जो काम करता है वो होता है ये RNAi। अब ये होता क्या है, RNA इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस ये मेथड प्रोवाइड करता है, कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है, ये सेलुलर डिफेंस। तो इसके डिफेंस से होता ये है कि पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, और सर्वाइव नहीं कर पाता तो इसलिए वो रेजिस्टेंस हो जाता है, होल प्लांट जो है आपका, जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर जाता है। तो इसके अंदर आपको वेक्टर पता होना चाहिए, जो वेक्टर यूज हो रहा है वो है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वेक्टर होता है, जो कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर, वेक्टर के होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल, होस्ट प्लांट के अंदर, तो होस्ट प्लांट के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है निमेटोड स्पेसिफिक जीन, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इस वेक्टर के द्वारा, ये वेक्टर के थ्रू निमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट के अंदर डाला जाता है रेजिस्टेंस के लिए। तो इसलिए इसका आंसर जो है सही है निमेटोड्स। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, एट मेटाफेस क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर, यानी मेटाफेस वाली जो स्टेज है वहाँ पे क्रोमोसोम अटैच जो होते हैं टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर, किसकी वजह, किसके जरिए। ऑप्शंस देख लीजिए, सैटेलाइट्स, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस, किनाइटोर्स, सेंट्रोमेयर। अब इसके पहले आप इसके ऑप्शंस के आंसर बताओ, मैं थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं कि होता ये है कि नाइटोफोर जो होते हैं वो स्मॉल डिस्क होते हैं, ये जो होते हैं ये स्मॉल और डिस्क शेप जैसे होते हैं, तो ये किसके ऊपर होते हैं, ये होते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर होते हैं नाइटोकोर्स। तो जो स्ट्रक्चर ये जो सर्व करता है साइड क्रोमोसोम अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर, इससे होता क्या है, ये सारे शिफ्ट चले जाते हैं सेंटर पे, पोजीशन कौन सी ले लेते हैं, सेंटर पोजीशन पे चले जाते हैं अटैच होने के बाद। तो यहाँ पे जो पूछा गया है बाय देयर, एट मेटाफेस क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर, तो यहाँ पे आएगा नाइटोकोर्स, तो नाइटोकोर्स अटैच होके सेंटर पोजीशन पे ले जाते हैं। चलिए अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है, वाइल पोर्ड इन टू द ड्यूडेनम इन ह्यूमन्स, ह्यूमन के ड्यूडेनम में पोर्ड होने पर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लें कि पहला ऑप्शन है ट्रिप्सोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एंट्रोकाइनेज। तो पहले आपको पता होना चाहिए पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है ये पैनक्रियाटिक जूस, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसके जो
कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मेन, आपको पता होनी चाहिए. एक तो हो गया आपका अमाइलेज, दूसरा हो गया लिपेज, और तीसरा जो हो गया वो है आपका काइमोट्रिप्सिनोजन. ये यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा है, पर ये ट्रिप्सिनोजन है. ये काइमो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो है CHYMO, बाकी में ये आपका ट्रिप्सिनोजन ऐड है. तो आप इसकी ये स्पेलिंग समझ आ जाएगी इस तरीके से आपको, ट्रिप्सिनोजन. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो है ट्रिप्सिनोजन. तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको तीनों पता होनी चाहिए, अमाइलेज, लिपेज, काइमोट्रिप्सिनोजन. तो ये इसमें से कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको वो पूछ लेगा. तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन दी, प्रोटॉन्स कैसे एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये आपको बताना है. पहला ऑप्शन जो है वो हमारा पहला ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स. चारों ऑप्शन आपको पता चल गए हैं. अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन जो एक्यूमुलेट होते हैं वो होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन हो जाती है. हाई कंसंट्रेशन आपको इसका याद रखना है. मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन, मैट्रिक्स के अंदर आपके होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का साइन आपको पता चाहिए, ये होता है डेल्टा पीएच, प्रोटॉन ग्रेडियंट. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साइन अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा होता है. तो आपको ध्यान रखना है क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, और इंटरमीडिएट स्पेस. तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो आज का हमारा सवाल आपको जो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो है कि स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, किसके होमोलोगस होता है स्वीट पोटैटो. तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं पोटैटो, कोलोसिया, जिंजर, टर्निप. तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरे बच्चों की भी मदद हो पाए. और आगे चलते हैं, आगे चल के आपको अगर आप कोई भी फ्री PDF चाहिए, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर आप कोई डिमांड करते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमें बताएं www.examhelplogger.com पर. वहाँ पे आप जाके फ्री डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मटेरियल है, आपको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली. सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स मिल सकें. और शेयर करें जितना हो सकता है, शेयर करें जिन बच्चों तक मदद नहीं पहुँच पाती है, जो नहीं क्लासेस ले पाते, इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, कोई भी फीस या ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं, उनके लिए उनकी मदद हो जाती है अगर आप इसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर. तो जितना हो सकता है शेयर करें, हमारी हेल्प करें. हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने, तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें. और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी आपको डाउन कुछ भी चाहिए, PDF मटेरियल कुछ भी चाहिए आपको, तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए तो हमें वहाँ पे कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको प्रोवाइड कर सकें. तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है. जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते. फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके. फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे. फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए,
तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।